धन्यवाद 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 करते हैं यीशु राजा। आप प्रभु के प्रभु हैं, आप राजाओं के राजा हैं। आपने आकाश और पृथ्वी को बनाया मेरे खुदावन, इस संसार के सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु नासरी, मेरे खुदावन राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस दिन भर में आपने हमें संभाला प्रभु जी, आज के इस दिन भर में आपने हमें सुरक्षित जीवित भला चंगा रखा। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन को अच्छे से समाप्त करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें नया शाम दिखाया प्रभु जी, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने हमारे ऊपर अपना अनुग्रह अपना आशीष बरसाया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, मेरे परम पावन प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं मेरे खुदावन मेरे पिता। प्रभु जी आज के इस दिन में आपने हमें हर एक तरह के बुराइयों से प्रभु जी, हर एक तरह के संकटों से आपने हमें बचा कर रखा पिता परमेश्वर, आपने हमारी रक्षा की प्रभु जी, आप हमारे ढाल बनकर हमारे साथ रहे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज के इस शाम में हम हर एक भाई बहनों को, हर एक लोगों को प्रभु जी आपके चरणों में देते हैं, आपके हाथों में देते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, तो हर एक लोगों के ऊपर दया कर प्रभु जी, तो उनको प्रभु जी हर एक तरह के बुराइयों से प्रभु जी बचा कर रख मेरे खुदावन मेरे पिता। प्रभु जी तू उनकी ढाल बनकर तू उनके साथ रह। हे मेरे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी आपने अभी तक उन्हें संभाल कर रखा, आशीष दिया, हे मेरे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तू उन पर अभी भी दया कर मेरे खुदावन प्रभु जी, और आगे भी उनकी सहायता कर, क्योंकि प्रभु जी तू हमें संभालता है मेरे खुदावन। आप ही हमसे प्रेम करते, अपने दोनों बाहों को फैलाए हुए प्रभु जी, आप हमें बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं प्रभु जी, हमें पापों से प्रभु जी दूर करना चाहते हैं मेरे खुदावन मेरे पिता। लेकिन प्रभु जी हमें संसार में तरह तरह के पापों में पढ़कर प्रभु जी हम आपसे दूर हो जाते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ते, आप हमसे प्रेम करते हैं। हे मेरे सेनाओं के यहोवा, जीवित जलाली परमेश्वर, आज प्रभु जी हर एक भाई बहनों के ऊपर दया कर, और जो लोग प्रभु जी आज के इस दिन में अपने मनों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा प्रभु जी, अपने आँखों के द्वारा, हाथों के द्वारा प्रभु जी किसी भी प्रकार से प्रभु जी उन्होंने अपराध किए मेरे खुदावन मेरे पिता, प्रभु जी तो आज उनके अपराधों को क्षमा कर, उन पर दया कर मेरे खुदावन मेरे पिता। आज जो लोग प्रभु जी दुख होकर पिता परमेश्वर अपने टूटे मनों को लेकर प्रभु जी आपके पास आए, अपने पापों को स्वीकार कर खुदावन मेरे पिता, वो विश्वास कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पिता कि हाँ हमने पाप किया, प्रभु जी आज तो उन लोगों पर दया कर मेरे खुदावन, तो उनके अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी, तो उन्हें आशीष दे, अनुग्रह दे, ताकि प्रभु जी वे हर एक पापों से बचे रहे, वे कोई भी पाप न करे, आपके मार्गों पर चले। हे मेरे पिता परमेश्वर, वे आपके सुसमाचार को फैलाने वाले बने, आपके राज्य को बढ़ाने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु यीशु, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस शाम को दिखाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आज के इस शाम को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इस वक्त प्रभु जी इस समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक लोगों को प्रभु जी अपने हाथों में ले ले मेरे खुदावन, और प्रभु जी तो उनके जीवन से प्रभु जी हर एक दुखों को, हर एक निराशाओं को निकाल दे। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आज आप दुखों में है, पापों में है, तो आप चिंता ना करें, क्योंकि प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको उन सारे मुसीबतों से, उन सारी गंदी आदतों से निकालेगा। आप पाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रभु सब कुछ कर सकता है, प्रभु के सामर्थ्य ये होगा। यदि आज आप अपने पापों को त्यागना चाहते हैं, बार बार आपने कोशिश की हो लेकिन आप उन पापों को नहीं छोड़ पाए, आप चिंता न करें, क्योंकि परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है, वो सब कुछ करने के सामर्थ्य रखता है, और वो आपको पापों से आज़ाद करेगा। आप लोग घबराए ना, आप लोग प्रभु पर भरोसा रखें। यदि पाप हो जाता है तो फिर प्रभु के पास जाए, प्रभु को बोले कि प्रभु हम आपके करीब आना चाहते, हम पाप नहीं करना चाहते। हे मेरे पिता, हे मेरे सेनाओं के यहोवा, तू हम पर दया कर, हमें प्रभु जी क्षमा कर, हमारे अपराधों को ना देख, तू हमें देख, हमारे हृदय को देख प्रभु जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, हम पाप नहीं करना चाहते, आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन पिता हमसे बार बार ये गलतियां हो जाती है मेरे खुदावन, तो प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपको आशीष और अनुग्रह देगा, और आपको हर एक पापों से, हर एक तरह की बुराइयों से आपको बचाए रखेगा। आप लोग विश्वास करें और प्रभु के पास जाएं, प्रभु दयालु परमेश्वर है, वो क्षमा करने में सक्षम है, वो क्षमा करता है, वो प्रेम करता है आपसे, आपकी हर एक जरूरतों को वो देखता है, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं उन पे अपनी दृष्टि बनाए रखता है, कि कहीं आपको कुछ भी चोट ना लगे, कोई भी चीज़ से हानि ना हो,
वो हर एक हानि से बचाता है, वो हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक मुसीबतों से वो बचाए रखता है। वो आपसे प्रेम करता है, आपकी ज़रूरतों को, आपकी इच्छाओं को वो जानता है, आपकी फीलिंग को वो समझता है। आप लोग बोलते हैं कि प्रभु हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन ऐसा बात नहीं, प्रभु आपकी ओर ध्यान लगाए, वो आकाश से दृष्टि दौड़ाता है और वो आपको देखते रहता है। आप लोग विश्वास करें और प्रभु के चरणों में जाएं, वही क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वही जीवनदाता है, वही मुक्तिदाता है, वही मुक्तिदाता है। उसके सदृश कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, उसके जैसा कोई दयालु परमेश्वर नहीं, केवल वही एक ही परमेश्वर है जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया, मनुष्यों की सृष्टि की, वही परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जिन्होंने समुद्रों को दो भागों में विभाजित किया, वही परमेश्वर जिन्होंने आकाश से रोटियां बरसाया। उसके लिए कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ उनके लिए असंभव नहीं है। आप उनके शरण में जाएं। यदि आज आपके जीवन में कोई भी दुख, समस्या, बीमारी है, पिता हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी, आज तो उन बीमारियों को उनके जीवन से दूर कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया मेरे प्रभु यीशु, आज तो उनके जीवन से हर एक बीमारियों को दूर कर। आज प्रभु जी जितने भी चीज़ों से वो संघर्ष कर रहे हैं मेरे पिता, उनके संघर्ष को देख मेरे प्रभु जी, और तो उन पर दया कर, उनके जीवन से हर एक वो कष्ट, हर एक वो दुख प्रभु जी दूर होने पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आज के इस शाम के वक्त में मेरे खुदावन प्रभु जी, हर एक लोगों पर दया कर जो प्रभु जी आपकी ओर दृष्टि लगाए बैठे हैं, आपको देख रहे हैं मेरे खुदावन पिता, तो उन लोगों पर, तो उन भाई बहनों पर दया कर हे मेरे प्रभु जी, तूने आशीष और अनुग्रह दे, ताकि प्रभु जी वे हर एक दुखों से आजाद हो जाए। प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी आशीष प्रभु जी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रभु जी हम आपके बिना कुछ भी नहीं। हे पिता परमेश्वर, आप ही हमारी हर एक जरूरतों को, हमारे दुखों को प्रभु जी, हमारी हर एक इच्छाओं को पूरी करते हैं, दूर करते हैं दुखों को प्रभु जी, हमें रोगों से चंगा करते हैं प्रभु जी, हमें दुखों से आज़ाद करते हैं, हमारे जीवन से हर एक बंधनों को तोड़ते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग प्रभु जी कोई भी बंधन में पड़े हो, व्यभिचार के बंधन में मेरे पिता, या नशे के बंधन में हे मेरे प्रभु जी, कंगाली के बंधन में, गरीबी के बंधन में, कर्जे के बंधन में मेरे पिता, आज तो उनके बंधनों को तोड़ दे मेरे पिता, तो उनके बंधनों को जला दे मेरे खुदावन पिता, और तो उन पर दया कर, उन सारे भाई बहनों पर दया कर हे मेरे प्रभु जी, तूने आज आजाद कर दे हे मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग चल नहीं सकते मेरे खुदावन प्रभु जी, तो उन लोगों को प्रभु जी आशीष दे, ताकि प्रभु जी वे आपके नाम से चंगे हो जाए, उठे और चले मेरे खुदावन। जो लोग प्रभु जी देख नहीं सकते, धुंधलापन उनको नजर आता है, हे मेरे खुदावन मेरे पिता, तो उन लोगों पर दया कर, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ने पाए हे मेरे पिता परमेश्वर। जो अपने बॉडी के दर्द से परेशान है मेरे पिता, करा रहे मेरे पिता, आपको पुकार रहे मेरे प्रभु यीशु नासरी, तो उन्हें सो मेरे प्रभु यीशु, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, पापियों को क्षमा किया मेरे पिता, आज तो उनके अपराधों को, उनके पापों को क्षमा करके तो उन्हें देख, उनके रोगों को प्रभु जी तो दूर कर हे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, उन सारे भाई बहनों को, माता पिताओं को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आज जितने लोग प्रभु जी अपने घरों से बाहर हैं, जिनके बच्चे प्रभु जी, जिनके फैमिली के कोई भी लोग प्रभु जी घरों से बाहर हैं हे मेरे पिता परमेश्वर, तूने शु और प्रभु जी तूने सुरक्षित रख, उनके करीब प्रभु जी अपने दूतों का बाड़ा लगा हे मेरे पिता परमेश्वर, और हर एक लोगों के घरों में सुख शांति बरसा मेरे खुदावन मेरे पिता। हम आपसे विनती करते हैं, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, आज के इस रात में हर एक लोग डरावने सपनों से, विषैले जीव जंतुओं से, जादू से बचे रहे, क्योंकि प्रभु जी आपने अपने वचनों में बोला है कि इज़राइल के घराने पर कोई भी जादुई शक्ति असर नहीं करेगी। आपने अपने वचनों में वादा किया प्रभु जी कि तेरे विरुद्ध गाढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। हाँ मेरे खुदावन, ना हमारे ऊपर जादू टोने की शक्तियाँ काम करेगी, ना हमारे विरुद्ध किसी की प्रभु जी गलत योजनाएं हमारे विरुद्ध सफल होगी मेरे खुदावन, क्योंकि तू ही हमें बचाता है, तू ही हमारी रक्षा करता है पिता। आज अपने दूतों का बाड़ा लगा प्रभु जी हमारे घरों के ऊपर प्रभु जी, और हर एक लोगों को सुरक्षित और जीवित भला चंगा रखा, और नया दिन नया सवेरा दिखा हे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, और आज के इस रात को प्रभु जी, आज के इस रात में प्रभु जी हम हर एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं पिता। आज के इस रात में हम अपने आप को, अपने परिवारों को, हर एक बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। तू हर एक लोगों को देख, सुरक्षित रख, जीवित रख, भला चंगा रख, और हर एक लोगों को हर एक दुखों से, बीमारियों से आज के इस रात में आजाद कर मेरे खुदावन मेरे पिता। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।